बुलाने भी ख्याल साथ ली इस दुनिया से मैं आपको बताऊं ये एक ट्रेजर थी हाँ इनकी कंट्रीब्यूशन न सिर्फ आदमी सियासी कंट्रीब्यूशन भी इनकी बहुत बड़ी थी हम नहीं जानते कई हमारे जवान नहीं जानते और हर वक्त अगर आप इनकी राइटिंग देखें उसमें कश्मीरियों के बारे में हर वक्त किसी न किसी तरीके से बयान कश्मीर मूवमेंट बहुत अच्छी उम्र में आगे आगे थे आगे आ गए जवान थे और मेरे वालिद के साथ भी इनके बहुत अच्छे ताल्लुक थे बहुत ताल्लुक थे और आज दो दिन पहले ये गुजर गए हमें एक बहुत बड़ी शख्सियत खो दिया है मैंने इनके खानदान बच्चों से कहा है इनके लिटरेचर बहुत है मैंने इनसे गुजारिश की है कि ये अगर उसको कंपाइल करके पूरा कश्मीर यूनिवर्सिटी के इकबाल लाइब्रेरी में तो वहाँ पे एक रिजर्व भी होगी और लोग पढ़ भी सकेंगे और आगे भी लोग जो आने वाले होंगे वो ख्याल से अपनी पहचानने लगे ऐसी शख्सियतें मरती हैं ज़रूर इस दुनिया से चली जाती है मगर वो सब चर्चा यहाँ छोड़ देते हैं जिसका फ़ायदा हमारे बच्चे आने वाले सर सर चूँकि इंसानियत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है जब भी किसी की मौत होती है हर किसी को अफसोस होता है और वो किसी भी मजहब के साथ वाबस्ता है बदकिस्मती से जो 11 दिन से फलस्तीन के हालात हैं बर्बाद की नहीं जा रही है मासूम बच्चों को ज़मीन बोस किया जा रहा है ये दिन हो सकता है क्योंकि एक हफ्ता पहले आप ही ने कहा था कि अना में नहीं रहना चाहिए इंसान को कल आज एक को तकलीफ है हो सकता है कल हमें भी फेस करना बिल्कुल सही बात है आपने सही कहा अफसोस तो मुझे इस बात का है कि अरब मुल्कों में मैंने कोई ऐसी आवाज़ नहीं सुनी कि वहाँ के लोगों के बारे में एहतजाज करें यूनाइटेड नेशन को जगाए दुनिया को जगाए अब देखिए बीबीसी ने उनकी खबर को पहले दिया नहीं था तो अब देखिए लंदन में किस तरह उनके बीबीसी को घेराव किया कि जब तुम कहते हो कि हम सच बयान करते हैं तुम आज सच क्यों नहीं बयान करते अफसोस से इस बात का है हिंदुस्तान जो जवाहरलाल नेहरू के वक्त से फलस्तीन के साथ रहा है और फलस्तीन के लिए हर वक्त कहा है कि जो उन पर जुल्म हो रहा है उसको ख़त्म करो यहूदियों को वहाँ बसाया गया 1917 में अंग्रेज़ों ने साजिश की और फलस्तीनियों की ज़मीन उनको दी और वो बढ़ते गए और फलस्तीन की ज़मीन को और भी और काबू कर कब्जा कर और जो वहाँ पे लोग हैं एक अपार्टाइड का मामला जैसे साउथ अफ्रीका में थे काले और गोरों में वहाँ जो जुल्म वो मुसलमानों पे कर रहे हैं मैं बयान नहीं कर सकता अफसोस इस बात का है कि हम आज हिंदुस्तान में वो आवाज़ नहीं है जो उनके लिए ज़ोर से बोल सके लॉकडाउन की तरफ से थोड़ा सा और अफसोस मुझे इस बात का है सिर्फ लोगों ने जिनको हमदर्दी है उस लोगों से उन्होंने आवाज़ उठाई है सरकार ने तो इसराइल का साथ दिया है अफसोस तो मुझे इस बात का है लॉकडाउन की तरफ से थोड़ा सा हिमायत मिल गई है क्वेश्चन इज जहाँ तक एज फार एज मिडल ईस्ट इज कंसर्न्ड इट्स इन टर्मोइल टेरिबल टर्मोइल और अगर वो पेशेंट कोई सच्चाई है कि एक दिन इसराइल सारे अरब मुल्कों पर कब्जा कर लेगा उसके लिए हमें होश रखना चाहिए यही सबसे बड़ी चीज़ है और हम समझते हैं हम लोग इन लोगों के साथ हमदर्दी करते हैं इसके सब हमारे पास कुछ है थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस